हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो ये होने वाली वन ऑफ माय फेवरेट वीडियो, सरोजनी हॉल। मुझे ऐसे हॉल्स वीडियो बनाना बहुत पसंद है, बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ तो मुझे वो दिखाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो यस, मुझे काफ़ी टाइम से सरोजनी जाना था, मुझे था कि मैं हॉल वगैरह को शूट करूँ। तो फाइनली मैं इतनी सारी गर्मी में हो आई हूँ नोएडा। लाइक मैं नोएडा गई थी आगरा के बाद, तो फिर मैं सरोजनी भी गई, मैंने शॉपिंग भी करी बहुत सारी। तो सबसे पहले चलते हैं सरोजनी। सरोजनी मार्केट और चलते हैं, देखते हैं मैं क्या ले पाती हूँ सरोजनी मार्केट। बहुत भीड़, बहुत गर्मी है और ये मेरा लुक है, कपकेक इंस्पायर्ड लुक है मेरा। तो सबसे पहले मैं जाकर खड़ी हो गई थी एक इयररिंग के स्टॉल पर और मैंने वहाँ से काफ़ी सारे इयररिंग्स बाय करे। तो मैं दिखाती हूँ अपनी इयररिंग की थैली। सो ये वो इयररिंग्स की थैली है जिनकी मैं अभी बात कर रही थी, और आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे इयररिंग्स हैं। ठीक है, तो मैं दिखाती हूँ बेस्ट इयररिंग्स। सबसे पहले मैं आ गई तो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव ना ये लगे, लाइक ये इयररिंग्स ना मैंने ज़ारा पे ही देखे हैं, और ये है भी ज़ारा के, और ये वहाँ पे रखे हुए थे। तो मैंने कहा कैसे पॉसिबल है कि ज़ारा की इयररिंग्स यहाँ रखे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, ये आप इयररिंग ले सकते हो, ये ज़ारा के इयररिंग्स हैं। तो मैंने कहा क्यों ना, ज़रूर लेते हैं इनको। तो मैंने जितनी भी एक्सेसरीज ली हैं वो क्विकली मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। देखो ये दोनों कितने प्रिटी हैं। मैंने ज़ारा से लिए होते तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिले होते ये, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा सस्ते मिले हैं। 150 रुपये का। 150 रुपये के थे। हाँ तो ये 150 रुपये का एक इयररिंग था, ये दोनों 300 रुपये के। ये वाले इयररिंग्स हैं, ये लाइक ये बहुत सस्ते थे। मुझे नहीं पता शायद ये इससे भी सस्ते हो सकते होंगे, क्योंकि काफ़ी लड़कियाँ इसमें भी बार्गेन कर रही थी, लेकिन मुझे ये बड़े रीज़नेबल लगे। मैंने ले लिया, लाइक ये 50 रुपीज़ के पेयर है। मैं कहीं ना कहीं साइड में स्क्रीन पे मैं एक वीडियो चला दूंगी कि लाइक मैं इनको पहन के कैसी लग रही हूँ। देखो सेकंड, ये मुझे बहुत क्यूट लगे, ये सब 50 रुपीज़ के हैं। सी दिस वन, दिस वन, दिस वन। अच्छा, भी और है दिस वन। तो ये सारे इयररिंग्स 50 रुपीज़ के हैं। ये वाले इयररिंग्स 30 रुपीज़ के थे, तो ये मैंने 3 लिए, लाइक ये मुझे बहुत अच्छे कलर लग रहे थे 30 रुपीज़ में, इतना सही है ना, पॉप पॉप कलर्स। तो ये तो थी मेरी एसेसरी वाली शॉपिंग, जो मैंने एसेसरीज लिए थे। मैंने कुछ एंटीक टाइप वाली जो एथनिक ज्वेलरीज होती वो मैंने नहीं ली, क्योंकि वो भी वहाँ बहुत सस्ती थी, लेकिन वो मेरे पास थी बहुत सारी, इसलिए मैंने वो नहीं लिया। तो चलिए बाकी आगे का दिखाती हूँ मैंने क्या कैसे खरीदा। सबसे पहले मैं जिस जगह पे गई थी क्लोथिंग पे, तो वहाँ से मैंने लिया है ये वाइट टॉप। ये ऑफ शोल्डर है, ये इसकी स्लीव्स हैं, ये मुझे थोड़ा लूज़ लग रहा है। मैंने इसको पहन के देखती हूँ इसकी कैसे फिटिंग आ रही होगी। इन्होंने पहले मुझे बोला था कि ये टॉप ये 350 रुपये का मुझे देंगे, एंड गेस व्हाट, मैंने बार्गेन करा कि भैया 100 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगी, देना है तो नहीं तो मत दो, मैं नहीं ले रही हूँ। मैं बाहर जाने लगी, फिर वही मैम 150 का कर लो। अच्छा मैम 120 में का, भैया 100 रुपये तो 100 रुपये। फिर उन्होंने मुझे 100 रुपये का दिया, तो मैंने कहा यस, मैंने फाइनली बार्गेनिंग कर ली। मैंने मम्मी को भी आके बताया, मम्मी बताओ कितने का टॉप है। मम्मी कहती 100 रुपये। मैं कहा बेइज्जती क्यों कर रही हो, बोल देती थोड़े ज़्यादा का टॉप है। मैंने लिया 100 रुपये का। जहाँ से मैंने टॉप लिया वहीं से मैंने डेनिम्स भी लिए। मैं आपको दिखाती हूँ माय फर्स्ट डेनिम शॉर्ट्स। पता नहीं मुझे फिट होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो मुझे कह रहे थे कि मैडम आपको फिट हो जाएगा ये। लेट्स सी मुझे कैसा फिट हुआ है ये, आप वीडियो में देख सकते हो। क्वालिटी इज़ नाइस, स्ट्रेचेबल। सेकेंड वन इज बर्मूडा शॉर्ट्स, शायद बर्मूडा ही बोलते हैं इनको, ये थोड़े लॉन्ग वाले होते हैं, और इसके भी शायद मुझे कह रहे कि आपको ये फिट आ जाएगा। लेट्स सी इसका फिट कैसा है। एंड दिस पेंसिल स्कर्ट, शॉर्ट डेनिम पेंसिल स्कर्ट, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, हाई वेस्ट है, ये तीनों हाई वेस्टेड हैं।
और इन्होंने मुझे एक का प्राइस बोला था 350 रुपये कि लाइक आपको एक 350 का पड़ेगा। मैंने तीनों पसंद करे, मैंने कहा भैया देने वाला प्राइस बताओ वरना मैं तीनों छोड़ के जा रही हूँ। एंड गेस व्हाट, ये तीनों मैंने कितने में ली होंगी बताओ? ये मैंने 500 में तीन लिए हैं, 500 में तीन। और मैं लाइक बहुत खुश थी कि मैं 350 में एक बोल रही थी, मैंने 500 में तीनों ले लिए हैं। लेकिन मुझे फिर वहाँ पे बोल रहे थे कि ये लोग इससे भी कम का दे देते हैं। मैं कहा कोई नहीं, अब इतना तो बारगेन किया मैंने, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा था मुझसे। मैंने एक ये टॉप लिया है, ये मुझे बहुत क्यूट लग रहा था, लाइक ग्रेइश पर्पल लेवेंडर बेबी पिंक कुछ भी कह लो वाले। इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, स्ट्रेचेबल है, पूरा इलास्टिक लगा हुआ है, स्ट्रेप्स हैं इसके। और मेरे पास पिंक कलर की जो डेनिम है उस पर काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि उस दिन मैंने पिंक डेनिम पहनी तो मैं लगा के देख रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये मैंने लिया है सिर्फ 100 रुपीज़ का। नेक्स्ट वहाँ पे एक टी शर्ट का स्टोर था जहाँ पर बाय एनी टी शर्ट, और 200 रुपये की वो टी शर्ट थी। तो मैंने एक ये टी शर्ट लिया, टाई एंड डाई, मुझे इनका कलर का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा था इसीलिए मैंने ये लिया। शायद लुक में भी अच्छा लग ही रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वी नेक है, तो वी नेक मुझे ज़्यादा पसंद है। और दूसरी जो मैंने ली है वो ये ली है, लेकिन एक मिनट, इसका साइज़ कितना बड़ा लग रहा है मुझे, यहाँ से लूज़ होगा ये मुझे। लेट्स सी ये पहन के कैसा लग रहा होगा मुझे, आई डोंट नो। सो नेक्स्ट मैंने जो ख़रीदी थी वो थी ये प्रिटी लॉन्ग स्कर्ट, अच्छा खासा साइज में फ्रिल्स हैं और इसका कलर बहुत प्रिटी है, ऑरेंज एंड येलो एंड स्काई ब्लू। और गेस व्हाट, ये मैंने कितने की ख़रीदी होगी? ये मैंने ख़रीदी है सिर्फ 200 रुपये की, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। लाइक इसके समर्स में इतने वाइब्रेंट से कलर बहुत प्रिटी लग रहे थे। मैंने ख़रीदा था ये शर्ट, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी ये शर्ट, लाइक लूज फिट में ये शर्ट होगी, पिंक कलर में, इसमें थोड़ा थोड़ा ग्लिटर भी लगा है, लाइक इसकी स्लीव्स मेरे एल्बो तक आएंगी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एंड गेस व्हाट, ये मैंने कितने की ली होगी? ये मैंने सिर्फ 100 रुपीज़ की ली थी। प्लस इसके साथ मैंने उसी के स्टोर से एक और सामान लिया था, वो थी ये शर्ट। मुझे इसका प्रिंट काफ़ी क्यूट लगा था, इसका मटेरियल भी काफ़ी सॉफ्ट है, और साइडों लाइक इसके कॉलर में भी डिज़ाइन बने हैं क्यूट, रेनबो और वाटर ड्रॉपलेट्स, काफ़ी क्यूट लगी मुझे। एंड ये भी 100 रुपीज़ की थी। दिस ड्रेस, ये ड्रेस आजकल बहुत, ऐसी ड्रेसेस आजकल बहुत ट्रेंड में, लाइक बीच में इलास्टिक होगी, नीचे फ्रिल्स होंगी, फुल स्लीव्स की है ये, और लाइक स्लीव्स में भी फ्रिल्स हैं। ये ड्रेस लाइक मुझे उतनी सस्ती तो नहीं मिली, मतलब जितना इसका प्राइस होना चाहिए था ये उतने की ही मिली। लाइक मैंने इसके 500 रुपीज़ दिए, वहाँ 550 लिखा था, उन्होंने बस 50 रुपीज़ कम करे, तो मैंने ये वाली ड्रेस ली है 500 रुपये की। नेक्स्ट इस ये टॉप, अब यहाँ से आप लाइक इसको ऐसे करके बांध के छोटा क्रॉप कर सकते हो, और इसकी फुल स्लीव्स हैं और पीछे से इलास्टिक है फॉर फिटिंग। ये टॉप मैंने लिया था 250 रुपये का, ये वैसे बहुत कॉमन टॉप है, आपने देखा ही होगा, साटिन मटेरियल का, इसका कलर पिकॉक ब्लू है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे ये टॉप। और पीछे से इसमें इलास्टिक है और स्ट्रैप्स हैं, और अब स्ट्रैप्स में भी आप लाइक इनको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। सही है मटेरियल, लेकिन मेरे को स्टिचिंग ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, और ये भी मुझे 250 रुपये का पड़ा है, भी मैंने उसी स्टोर से लिया था। और बीच ड्रेस काइंड ऑफ इसको बोल सकते हो, बीच पे काफ़ी अच्छी रहेगी समर्स में भी। फ्रॉक स्टाइल पैटर्न है, पैडेड है ये, और एडजस्टेबल इसके स्टेप्स हैं। ये भी मुझे पड़ी है 250 रुपये की, लाइक वो दोनों टॉप 250 के हैं और ये पूरी पूरी ड्रेस 250 रुपये की है। लेट्स सी पहन के अच्छी लगे, उतनी बुरी ना लगे। ड्रेस, ये ड्रेस थी, लाइक मुझे चेक काफ़ी पसंद है, ग्रीन कलर का, ये ग्रीन एंड बॉटल ग्रीन एंड ब्लैक, इसमें बीच में बेल्ट है और स्ट्रैप्स हैं, लेकिन स्ट्रैप्स एडजस्टेबल नहीं है। लेट्स सी पहन के कैसी लग रही, आई होप ये क्यूट लग रही होगी, ये 200 रुपये की ड्रेस है। तो दैट्स ऑल फॉर माय क्लोथिंग, क्लोथिंग में मैंने इतना लिया था, और ईयरिंग्स में मैंने आपको दिखा चुकी थी। नेक्स्ट मैंने बैग्स काफ़ी कुछ परचेज करे थे, तो फर्स्ट बैग जो मैंने लिया है वो ये है। तो मैंने भी ये बैग लिया, मैंने कहा चलो मैं इसको वैसे तो कभी यूज़ नहीं करूँगी, लाइक फॉर माई फ़ोटोशूट्स बस मैं इनको यूज़ करूँगी। स्पेशियस है ये काफ़ी,
और अंदर भी आप देख सकते हो, इसमें एक छोटी जिप है फॉर कॉइन्स। तो मैंने ऐसे चार बैग लिए हैं, तो ये चारों बैग वैसे तो 350 रुपये के थे, लेकिन मैंने जब चार बैग लिए तो उन्होंने मुझे 300 रुपये का बैग लगाया। तो ये 300 रुपीज़ का पर्स है। इस वन देखा होगा आपने, बीच में बहुत ट्रेंड में थे ये वाले बैग, लाइक गोल्डन चेन होती है, एक लॉन्ग स्ट्रैप होता है, और ये भी काफ़ी स्पेशियस है, लेकिन इसके अंदर वो छोटी वाली जिप नहीं है जो लाइक फॉर कॉइन्स होती है, उससे थोड़ा छोटा है। ये प्राइस दोनों का सेम है। इसका कलर है ग्रे, डार्क ग्रे, ब्लूइश शेड में डार्क ग्रे है। सेम ऐसा मैंने वाइट भी लिया है, जैसा मैंने वो ब्लू दिखाया उसका वाइट। तो ये दोनों भी 300-300 रुपये के हैं, और मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि मैं एक वाइट बैग ले चुकी हूँ, तो मैंने दूसरा बैग भी वाइट ही ले लिया। लाइक फोर्थ बैग है ये मेरा। इसका पैटर्न थोड़ा अलग है, ये मुझे काफ़ी क्लासी लग रहा था, और सिंगल जिप है इसमें, स्ट्रैप्स भी एडजस्ट हो जाती हैं। मैंने वहाँ खोल के नहीं देखा था, मैंने बस ले लिया था। हाँ, इसमें अंदर आपको छोटी कॉइन वाली चेन मिल जाएगी, लाइक ऊपर साइड पे है, और ये बैग भी 300 रुपये का है। ये तो हो गए मेरे चार बैग, और दो बैग मैंने लिए हैं जो मुझे बहुत टाइम से लेने थे। मैं ढूंढ भी रही थी जूट काइंड ऑफ बैग फॉर बीचेस। फर्स्ट इज़ दिस वन, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लगा, देखो, और काफ़ी कुछ रख सकते हैं, लाइक परफेक्ट फॉर बीच। के साथ मैंने एक ये वाला बैग भी लिया था, इसमें ये थोड़े से फ्रिंजेस थे, ये वाला प्रॉपर जूट मटेरियल है, ये वाला थोड़ा जैसे कौन सा मटेरियल बोलूँ इस मेरे को मैं, या जैसे वो कुर्तों में नाड़ा नहीं डालते सलवारों में, नायलॉन का नाड़ा नहीं होता। सो गाइस सॉरी गाइस, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलेंगे, कॉटन का ही बोलेंगे। तो ये बैग था, ये भी मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। अरे मेरा मतलब था सलवार सूट। तो ये मैंने दो बैग लिए हैं फॉर बीच। मैं कभी अगर बीच गई, अगर मेरी किस्मत में बीच जाना हुआ, तो इनको मैं ज़रूर कैरी करूँगी। और ये पूरी मार्केट में मुझे एक ही जगह मिल रहे थे, और मेरे को ये लेने थे, और वो बड़ा रूट था क्योंकि उसके दुकान में भी पहले और भी लड़कियाँ बिना कुछ लिए चली गई थी, इतना सब कुछ उन्होंने देखा पूछा। तो उस मैंने उससे एक बार पूछा, कहता मैडम देखो एक ही दाम लगेगा, कौन सा बैग लेना है आपको? मैंने कहा भैया मुझे ये लेना है। तो कहता 400 रुपये का है। मैंने कहा मुझे ये भी लेना है। कहता 400 रुपये का। मैंने कहा भैया दोनों ले रही हूँ, कुछ तो सही लगाओ। कहते नहीं 800 रुपये लगेंगे। फिर मैंने कहा भैया देख लो, चलो आपकी मर्ज़ी है। मैंने उनको 1000 रुपीज़ दिए, तो आई थिंक 750 उन्होंने काटे थे। तो यहाँ 750 रुपये के ये दोनों बैग हैं मेरे। उसके बाद नेक्स्ट मैंने लिए थे कुछ फुटवेयर्स, लाइक बेसिक फुटवेयर्स। एयर लिया है फुटवेयर का, इसको मैं एक बार पहन भी चुकी हूँ, अभी कल परसों मैं देहरादून गई थी तो मैं ये पहन के गई थी। बिल्कुल फ्लैट है ये, बहुत कम्फी है, लाइक यहाँ पे कुशनड है ये, तो बहुत मज़ा आया मुझे इसको पहन के। और लाइक पूरी प्रॉपर ग्रिप भी है इसमें पीछे, तो लाइक ये स्लिप नहीं हो रहे थे। तो ये मैंने लिए पिंक कलर, बेबी पिंक पीच आप इसे बोल सकते हो, और ये बिल्कुल फ्लैट है, ये बहुत ज़्यादा प्रिटी और कम्फी। आप इनको बीच में भी पहन सकते हो और डेली यूज़ में भी पहन सकते हो, लाइक मैं मार्केट भी जा सकती हूँ, सैलून भी जा सकती हूँ, मेरे को चाहिए होते हैं ऐसे बेसिक फुटवेयर्स बिना हील वाले। वो ये लेवेंडर कलर की हैं, ये भी बहुत प्रिटी हैं, सेम मटेरियल है। मैंने तीन लिए, वरना मुझे एक लाइम येलो लाइम ग्रीन और लेना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा साइज़ नहीं था उसमें, तो मैंने यही लिया। और लाइक ये सारे पेयर 250 रुपये के हैं, 250 रुपये ईच, लेकिन मैंने उनके यहाँ से 3-4 पेयर लिए थे, तो बारगेन किया मैंने कि भैया इतने सारे पेयर ले लूँ फिर तो ठीक लगा। तो उन्होंने मुझे ईच पेयर 200 रुपये का लगाया। तो यस, ये 200 रुपये की चप्पल हैं। मैंने वहाँ से जुतियाँ भी ली। मैंने अभी आगरा जाने से पहले काफ़ी कुछ एथनिक वेयर मंगवाया था, अगर आपने मेरा आगरा व्लॉग देखा होगा तो आप रिलेट कर सकते हो, मैंने उसमें बोला था। तब मैंने ऑनलाइन मिंत्रा से बहुत सारी जुतीज़ मंगवाई थी, तो मैं दो जुत्ती वहाँ कैरी करके भी गई थी, तो मैंने एक जुत्ती पहनी भी थी। तो काफ़ी सारी कलर की हैं मेरे पास, कलेक्शन हो गया है, लेकिन मेरे पास ब्लैक कलर की नहीं थी, तो मैंने वहाँ से ब्लैक कलर की ली। मैं बार्गेन बिल्कुल नहीं करा। इस पर प्राइस भी लिखा है पीछे, आप देख सकते हो 1499, 1500 रुपये उन्होंने ये मुझे 1300 की दी हैं, और
मैंने कहा था बार्गेन नहीं होगा, मेरे पास ब्लैक कलर की जुतियाँ नहीं थी, मुझे पसंद आ रही थी तो मैंने ये ले ली। घर आकर मुझे पता चलता है कि इसमें से कहीं कहीं में से यार स्टोन्स निकल रहे हैं और यहाँ पर इसमें कट भी है। मैंने कहा क्या फ़ायदा हुआ वहाँ से लेकर, इससे अच्छा तो मैं मिंत्रा से ही मंगवाती या मैं वहाँ पर क्वालिटी चेक करती। तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ इनका, मुझे इन्हें रखना ही पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर दी सरोजनी हॉल। ये थी मेरी सरोजनी की सारी शॉपिंग और टोटल भी मैं बता दूंगी मैंने यहाँ पे कितने की शॉपिंग की है, और आपको क्या अच्छा लगा वो भी ज़रूर बताना। और या दैट्स ऑल गर्ल्स, आई होप आपको मज़ा आया होगा मेरी शॉपिंग देखने में। कमेंट ज़रूर करना कि आपको सबसे बेस्ट क्या लगा और क्या मैं इससे ज़्यादा भी बार्गेन कर सकती थी, तो वो भी आप मुझे बताना। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा चीप था वो क्वालिटी में बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो मैंने वो नहीं लिया, वरना मैं गई थी वो 20-50 रुपए वाले टॉप में। आई थिंक वो यूज्ड होते हैं और मैं प्रेफर नहीं करती कि मैं वो वाले टॉप लूँ। तो ये जिन भी मैं शॉप पे गई थी ये सारे फ्रेश पीसेस थे, तो मैंने ये ऑप्ट किए। तो यस, सो डन फॉर दी वीडियो, डन फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपने इन्जॉय करा होगा, आपने रिलेट करा होगा मेरी वीडियो से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी इन दी नेक्स्ट वीडियो सुपर सून। बाय बाय, आई लव यू ऑल।